हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के इस खास वीडियो में हम बिग क्वेरी और गूगल एनालिटिक्स की बात करने जा रहे हैं। वैसे तो हम इस पूरे महीने में इमेज एसईओ के ऊपर बात कर रहे हैं। जनवरी 2024 का महीना है और हमारा जो टारगेट है वो है इस पूरे महीने में इमेज एसईओ के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक टॉपिक को कवर कर लेना। लेकिन कई बार एक ही टॉपिक लगातार करते करते थोड़ा सा मन बोरिंग हो जाता है, तो आज हम एंटरटेनमेंट के लिए बिग क्वेरी को देखते हैं। राइट, एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग लाइट काम नहीं करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा टेक्निकल काम करेंगे। एसईओ लास्ट मंथ के इस वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे गूगल ने एक छोटा सा अपडेट किया है, और अगर आपकी गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी में 25 बिलियन से ज्यादा इवेंट्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डेटा आप कंज्यूम कर रहे हैं गूगल का, तो गूगल आपकी गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी की जो डेटा रिटेंशन सेटिंग है उसको 14 मंथ से घटाकर 2 मंथ पर ला सकता है। सो हमने सोचा कि क्यों ना आखिर, और इनफैक्ट मैंने नहीं सोचा, आप ही लोगों ने बताया, मैंने कहा था कि अगर आप लोग बोलेंगे तो हम बिग क्वेरी को गूगल एनालिटिक्स के साथ में कनेक्ट करने वाला टॉपिक कवर करेंगे। सो आपकी डिमांड पर हम गूगल एनालिटिक्स को बिग क्वेरी के साथ में कनेक्ट करने का प्रोसेस आज देखने जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस को देखने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर बिग क्वेरी है क्या, क्योंकि हम सभी लोग डेवलपर्स नहीं है, हम नॉन डेवलपर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा पहले कि बिग क्वेरी आखिर है क्या। आपके पास गूगल शीट होती है, एक्सेल शीट होती है, हम सबको पता है एक्सेल शीट में क्या होता है, रोज होती है, कॉलम्स होती है, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, सेल्स। सो बिग क्वेरी एक तरह से एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट, बहुत बड़ी गूगल शीट है, जिसमें रोज की, कॉलम्स की, सेल्स की कोई लिमिट नहीं होती है। गूगल शीट में आई थिंक सेल्स की लिमिट 10 मिलियन के आसपास होती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने कभी 10 मिलियन सेल वाली गूगल शीट एक्चुअली में नहीं देखी है। बट बिग क्वेरी में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी बड़ा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं और स्टोर किए हुए डेटा को यूज कर सकते हैं। सो ये तो था कि बिग क्वेरी होता क्या है। नाउ बिग क्वेरी को आप गूगल एनालिटिक्स के साथ में क्यों यूज करें। नंबर एक, बिग क्वेरी फास्ट होती है। जब भी आप गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट को देखते हैं या फिर आप गूगल एनालिटिक्स को गूगल लुकर स्टूडियो के साथ में, गूगल डेटा स्टूडियो के साथ में यूज करते हैं, तो आपको पता है कि आखिर रिपोर्ट को बनने में कितना टाइम लगता है, डेटा रिफ्रेश होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब आप बिग क्वेरी को यूज करते हैं तो आपकी रिपोर्ट सेकंड्स में बनती है, बिग क्वेरी बहुत फास्ट वर्क करती है। नंबर दो, इस डेटा के जो मालिक है वो आप हो जाते हैं। गूगल बिग क्वेरी के डेटा को आप किसी और दूसरे डेटा प्लेटफॉर्म पर ले जाकर होस्ट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली योर्स, आप गूगल एनालिटिक्स के डेटा को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर तीन, ऑब्वियसली साइज, अगर आपके प्रोजेक्ट का, आपकी वेबसाइट का, आपके इवेंट्स का डेटा बहुत ज्यादा हो चुका है और गूगल एनालिटिक्स उस डेटा को नहीं रख रहा है, तो आप अपने बिग क्वेरी प्रोजेक्ट में अपने डेटा को इनडेफिनेट टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स में वैसे भी आपको 2 महीने और 14 महीने से ज्यादा डेटा सेव करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 14 महीने के बाद, 14 मंथ्स के बाद आपका डेटा हट जाएगा। सो अगर आप गूगल एनालिटिक्स को अपने बिग क्वेरी प्रोजेक्ट के साथ में सेट कर लेते हैं तो आप अपने डेटा को इनडेफिनेट टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, आप उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये थे कुछ फायदे गूगल के बिग क्वेरी को यूज करने के, बट एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है कि एक पेड फीचर है, आपको बिग क्वेरी पर अपने डेटा को स्टोर करने का भी पेमेंट करनी पड़ती है। डेटा कैसे स्टोर करना है इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है और उस डेटा को यूज करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। बिग क्वेरी को यूज करने के लिए हमें गूगल डेवलपर कॉन्सोल पर जाना होगा और गूगल डेवलपर कॉन्सोल में आपको इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से यूज करने के लिए आपका पेड अकाउंट होना, बिलिंग अकाउंट होना जरूरी है। नाउ अच्छी बात यह है कि बिग क्वेरी को यूज करना बहुत कॉस्टली नहीं है। इसकी जो प्राइसिंग का पेज है यहां पर अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, पैसों में चार्ज होता है। और अगर आपका प्रोजेक्ट एक डिसेंट साइज की वेबसाइट है जिसमें 1 मिलियन 2 मिलियन यूजर भी आ रहे हैं तो भी आप अच्छे तरीके से बिग क्वेरी को यूज कर सकते हैं, बिल बहुत ज्यादा नहीं बैठने वाला है आपका। लेकिन फिर भी बिकॉज इट्स अ पेड प्रोडक्ट, मुझे आपको बताना, पहले से इन्फॉर्म करना जरूरी है। सो अब हम आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि आखिर गूगल एनालिटिक्स के साथ में आप कैसे यूज करेंगे बिग क्वेरी को, कैसे आप डेटा को स्टोर करेंगे और इसके बाद इसे कैसे यूज करेंगे, गूगल लुकर स्टूडियो को यूज करके कैसे आप रिपोर्ट्स बनाएंगे। नाउ बिग क्वेरी इज अ डेटाबेस, इस डेटाबेस में अगर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, इसे नेटिवली यूज करना चाहते हैं एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर की तरह से, तो आप सीक्वल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। सीक्वल या एसक्यूएल क्या कहते हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ डेवलपर, बट हम लोग डेवलपर्स नहीं है। मैं इस प्रोसेस को सिर्फ गूगल लुकर स्टूडियो को यूज करके दिखाऊंगा कि आप अपने गूगल बिग क्वेरी प्रोजेक्ट में जो आपका डेटा स्टोर है उसको कैसे देखकर रिपोर्ट बना सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस वीडियो को फॉलो करने के लिए आपको 3 टूल्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक है गूगल डेवलपर कॉन्सोल, दूसरा है गूगल एनालिटिक्स और तीसरा है, सबसे लास्ट में यूज करेंगे, गूगल लुकर स्टूडियो और डेटा स्टूडियो को। अच्छा नाम गूगल डेटा स्टूडियो, आई स्टिल बिलीव इन इट। सो सबसे पहले हम गूगल डेवलपर कॉन्सोल में एक बिग क्वेरी प्रोजेक्ट बनाएंगे।
और इसके बाद फिर हम गूगल एनालिटिक्स पर आएंगे। हम आ गए हैं गूगल डेवलपर कंसोल पर। अगर ये बहुत ज़्यादा अनजाना सा लगता है, आपने कभी भी गूगल डेवलपर कंसोल को नहीं यूज़ किया है, तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम एक एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ऑब्वियसली गूगल डेवलपर कंसोल, जैसा कि वर्ड से ही पता लग जाता है, इट इज़ फॉर डेवलपर्स, लेकिन हम नॉन डेवलपर्स, सामान्य आम आदमी लोग भी जो है वो इसको अपने काम भर के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो बिग क्वेरी पर किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा को यूज़ करने के लिए आपको SQL लैंग्वेज में कमांड्स देने पड़ते हैं। बट हम SQL या SQL जो भी बोलते हैं, जो भी सही नाम होता है, आई एम नॉट अ डेवलपर, बट इसको यूज़ करने के लिए हम SQL कमांड वगैरह को नहीं यूज़ करेंगे। हम डेटा को गूगल एनालिटिक्स के जरिए गूगल की इस बिग क्वेरी प्रोजेक्ट में लाएंगे और यहाँ से अपने लुकर स्टूडियो को यूज़ करके सीधे रिपोर्ट बना लेंगे। सो राइट नाउ अभी हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पर। अगर आपने पहली बार अकाउंट क्रिएट किया है तो आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन ऑलरेडी मिल जाएगा, बट अगर नहीं किया है तो भी आप यहाँ पर क्लिक करें इस ड्रॉप डाउन पर, इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दें। इस न्यू प्रोजेक्ट को मैं एक नाम दे देता हूँ, ट्यूटोरियल GA4। GA4 लिखना ज़्यादा बेटर लगता है। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं प्रोजेक्ट को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट राइट नाउ मैं इन सारी डिटेल्स को डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ। सिर्फ प्रोजेक्ट नेम रहेगा ट्यूटोरियल GA4। इसको याद रखना जरूरी है, आगे काम आएगा। तो यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं एंड ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। सो हमने प्रोजेक्ट को बना लिया है और प्रोजेक्ट को सेलेक्ट भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर ट्यूटोरियल GA4 नाम के इस प्रोजेक्ट में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बाद हमें बिग क्वेरी प्रोजेक्ट बनाना है। सो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर इस हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बिग क्वेरी नाम का ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिग क्वेरी नाम का ये मेन्यू दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे बिग क्वेरी स्टूडियो पर। यहाँ पर बिग क्वेरी API को आपको इनेबल करना होगा। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ ना। यहाँ पर बिगक्वेरी स्टूडियो आपको दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सब को आपको एक एक करके सोचने की, देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर अगर आप जब ड्रिल डाउन करेंगे तो आपको एक्सटर्नल कनेक्शन वगैरह ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वी वॉन्ट लुक इन टू ऑल दिस अभी के लिए। फिलहाल हम अभी के लिए जाते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड में और वहाँ पर बाकी की प्रोसेस को कम्प्लीट करेंगे। यहाँ पर आपका काम हो चुका है। सो हम आ गए हैं गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में और यहाँ पर बिग क्वेरी के साथ में लिंक करना बहुत ही ईजी है। दो चार चीज़ें समझना ज़रूरी है, इसीलिए हम आते हैं इस पार्ट पर। एडमिन बटन पर क्लिक करेंगे अपने GA4 अकाउंट में। GA4 गूगल एनालिटिक्स, अब दोनों एक ही चीज़ें हैं। सो हमने यहाँ पर एडमिन बटन पर क्लिक किया है और हम इस डैशबोर्ड में, थोड़ा सा नया है, यहाँ पर साइड में देखेंगे। राइट, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लिंक सेक्शन दिखाई दे रहा है और यहीं पर बिग क्वेरी लिंक्स नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। फोर्थ ऑप्शन है राइट नाउ, मे बी फ्यूचर में चेंज हो जाए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बिग क्वेरी लिंक्स पर क्लिक किया और यहाँ पर हमें लिंक बटन दिखाई दे रहा है। इस लिंक बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस ईमेल आईडी के साथ में आपने अभी गूगल डेवलपर कंसोल में लॉगिन किया है, उसी ईमेल आईडी के साथ में यहाँ पर काम करना है। एक छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया, जिस भी गूगल अकाउंट के साथ में आपने गूगल डेवलपर कंसोल पर अपना अकाउंट बनाया है और ये प्रोजेक्ट नया बनाया है, उसी गूगल अकाउंट के साथ में आपको अपना गूगल एनालिटिक्स लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट अभी फिलहाल इस गूगल अकाउंट के साथ में लिंक नहीं है गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में, तो आपको लिंक कर लेना चाहिए और इसके बाद फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो हम अगेन एक बार देख लेते हैं। आप आए हैं एडमिन बटन पर। एडमिन बटन पर आपने बिग क्वेरी लिंक्स पर क्लिक किया है। लिंक पर अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिंक टू अ बिग क्वेरी प्रोजेक्ट मैनेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चूज अ बिग क्वेरी प्रोजेक्ट, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली जितनी भी मेरे गूगल डेवलपर कंसोल पर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने ट्यूटोरियल GA4 नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था, इस पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मुझे डेटा लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी, कहाँ पर मैं अपने डेटा को एग्जैक्टली स्टोर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एशिया साउथ 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेटा स्ट्रीम और इवेंट जो भी यहाँ पर सेव होने वाले हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं डेटा स्ट्रीम और इवेंट को, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस स्ट्रीम को एक्चुअली में यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं। अगर आपकी गूगल एनालिटिक्स अकाउंट का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा स्ट्रीम है तो आप किसी एक स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप एक्चुअली में स्टोर करना चाहते हैं बिगक्वेरी प्रोजेक्ट में, और जिसे नहीं करना चाहते हैं उसे यहाँ पर अनचेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस अकाउंट में, इस डेमो प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही स्ट्रीम है तो मैं इसे सेलेक्ट रहने दूंगा और इसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डेली और स्ट्रीमिंग।
डेली का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से जो डेटा है गूगल एनालिटिक्स का, ये दिन में एक बार स्टोर किया जाएगा आपके बिगक्वेरी प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप स्ट्रीमिंग को सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट पर विजिट किया, किसी ने कोई हिट हुई, कोई एक इवेंट हुआ आपके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में, वैसे ही विद इन सेकेंड्स आपके बिगक्वेरी प्रोजेक्ट में उसको सेव कर दिया जाएगा। नाउ आपका इंस्टिंक्ट कहेगा कि भाई आपको ये जो डेटा है वो लाइव देखना है, जितनी जल्दी स्टोर हो जाए उतना अच्छा है, सो आप स्ट्रीमिंग को सेलेक्ट करें। वेल आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है, वो है बजट। जब आप स्ट्रीमिंग को सेलेक्ट करते हैं तो गूगल की जो बिगक्वेरी प्रोजेक्ट है उसमें आपका बिलिंग जो है वो ज़्यादा हो जाता है। डेली को सेलेक्ट करने पर जो प्रोजेक्ट की बिलिंग है वो कम रहती है। सो गूगल के बिगक्वेरी प्रोजेक्ट्स में बिलिंग के तीन पैरामीटर होते हैं। नंबर एक, डेटा आपका कैसे स्टोर हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली स्टोर हो रहा है, आप कितना बार बार डेटा अपडेट कर रहे हैं। नंबर दो, आपने कितना डेटा स्टोर किया हुआ है। और नंबर तीन, आप उस डेटा में कितनी बार क्वेरी कर रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम यहाँ पर स्ट्रीमिंग को सिलेक्ट कर देते हैं तो आपकी जो वेबसाइट पर आने वाली हिट है गूगल एनालिटिक्स पर, जितनी बार हिट होगी वो डेटा इमीडिएटली विद इन सेकंड्स आपके बिगक्वेरी प्रोजेक्ट पर सेव कर दिया जाएगा। बट आपकी जो प्रोजेक्ट की बिलिंग है वो भी ज्यादा हो जाएगी, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप डेली सेलेक्ट करते हैं स्ट्रीमिंग की जगह, तो आपके प्रोजेक्ट में जो डेटा है गूगल एनालिटिक्स पर आने वाला डेटा, वो दिन में एक बार सिर्फ सेव किया जाएगा और ये आपके लिए फ्री रहेगा। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट के डेटा को फ्री में होस्ट करना है और कॉस्ट सेव करनी है तो आप डेली को सेलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे स्ट्रीमिंग पर सेलेक्ट करके सेव करूंगा, बिकॉज मैंने अभी अभी नया नया प्रोजेक्ट बनाया है। अगर मैं इसे डेली पर सेटअप कर देता हूं तो फिर हमारे इस बिगक्वेरी प्रोजेक्ट में, जो ये ट्यूटोरियल GA4 नाम का मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें डेटा आज रात को सेव होगा और ये वीडियो लेट हो जाएगा। सो इसलिए मैं इसे स्ट्रीमिंग पर रहने देता हूं, जिससे जैसे ही इस वेबसाइट पर कुछ विजिट्स होंगे वो डेटा वहां पर ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। सो मैं इसे स्ट्रीमिंग सेलेक्ट करने देता हूं और इसके बाद क्लिक कर देता हूं सेव बटन पर। यहां पर नीचे एक्सपोर्ट टाइप में डेली का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे चेकआउट रहने दे, चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, स्ट्रीमिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं आप तब आपको कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ती है। सो अगर आपके नॉर्मल GA4 प्रोजेक्ट है जहां पर लाइव डेटा देखने की जरूरत नहीं, तो इसे आप स्ट्रीमिंग पर ना सेट करें बल्कि डेली पर रहने दें। क्लिक करूंगा सेव बटन पर। नाउ अब मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट का टाइम दूंगा अपने आप को, और 5-10 मिनट में आई होप कि जो हमारी वेबसाइट लिस्टेड है, लिंक्ड है इस प्रोजेक्ट के साथ में, वो अपने आप ही उसको कुछ विजिट्स मिलेंगी और वो डेटा हमारे बिगक्वेरी अपने डैशबोर्ड में आ जाएगा। सो नाउ 10 मिनट का टाइम हो गया है, और अब अगर मैं आकर देखता हूँ हमारे ट्यूटोरियल GA4 नाम के इस विंडो में, हम आ गए थे बिगक्वेरी स्टूडियो में। रिमेंबर, यहाँ पर आपको हमारा एक ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँ, 12 डाउन करूँ, तो आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। अभी तक जब हमने पहले इस प्रोजेक्ट को बनाया था तब एक्सटर्नल कनेक्शन नाम का सिर्फ दिखाई दे रहा था एक ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको क्वेरीज, नोटबुक और एनालिटिक्स 3499 66815 भी दिखाई दे रहा है। नाउ ये बाकी सारे ऑप्शंस मैंने नहीं बनाए हैं, आई प्रॉमिस यू, ये जैसा ही मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड छोड़ा था वैसा ही छोड़ा हुआ है ऑलरेडी। ये अपने आप ही ये सारे ऑप्शन बन गए हैं, बिकॉज हमने गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को यहाँ पर कनेक्ट किया, और इस गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी का जब डेटा आना शुरू हुआ है तो यहाँ पर ये बाकी सारे के सारे प्रॉपर्टीज अपने आप बनी है। खैर, इन सारे ऑप्शंस में आपको बाकी कई जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। एंड इनफैक्ट, अगर आपको SQL लैंग्वेज आती है, SQL लैंग्वेज अगर आपको आती है, तो आप इन प्रॉपर्टीज पर जाकर अपनी क्वेरीज को रन कर सकते हैं। बट हम अपनी रिपोर्ट को बनाने के लिए जाएंगे सीधे गूगल डेटा स्टूडियो या फिर गूगल लुकर स्टूडियो पर। ओके, बट इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, एक छोटी सी चीज़ दिखानी है। हम यहाँ पर अपनी इस एनालिटिक्स वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और ये जो इवेंट्स इंट्राडे यहाँ पर एक डेटा सेट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये डेटा। यहाँ पर आपको स्कीमा दिखाई दे रहा है इस डेटा का, डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, एंड देन इसके बाद प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। इस प्रीव्यू को लोड होने देते हैं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है जो भी हमारे इस प्रॉपर्टी से अभी आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर ज़्यादा डेटा नहीं होगा, बिकॉज अभी अभी हमने इसे प्रोजेक्ट को बनाया है, इसे लिंक किया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो डेटा आना था वो आ चुका है। नाउ अब हम आते हैं गूगल लुकर स्टूडियो पर। गूगल लुकर स्टूडियो पर आने के बाद आपको नई रिपोर्ट बनानी होगी, इसके लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पर, और फिर इसके बाद रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर हमको अपने डेटा सोर्स को ऐड करना पड़ेगा। रिमेंबर, हमें बिग क्वेरी डेटा सोर्स को ऐड करना है। सो यहाँ पर हम सर्च करेंगे बिग। अगर आपने गूगल डेटा स्टूडियो या फिर लुकर स्टूडियो को पहले कभी यूज़ नहीं किया, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस चैनल पर हमारे डेटा स्टूडियो से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। राइट नाउ यहाँ पर बिग क्वेरी आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर हमें किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, ट्यूटोरियल GA4, बिकॉज हम ट्यूटोरियल GA4 को यूज़ कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल के लिए। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको एनालिटिक्स
कि ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, राइट। ये सेम वही नंबर है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एनालिटिक्स 3499, सारी चीजें सिंक हैं, एक ही गूगल अकाउंट से यहाँ पर सारी चीजें करनी है। रिमेंबर मैंने अभी बताया था कि जिस गूगल डेवलपर कॉन्सोल से आपने, जिस गूगल अकाउंट से आपने अपने डेवलपर कॉन्सोल अकाउंट को बनाया है, उसी से एनालिटिक्स ओपन करना है, उसी से गूगल लुकर स्टूडियो ऐड करना है। ओके, सो यहाँ पर ट्यूटोरियल GA4 डेटा सेट हमारा क्या है, एनालिटिक्स, एंड देन ये नंबर, इसको मैं पकड़ लेता हूँ और इसके बाद मुझे अपनी ये टेबल सेलेक्ट करनी है, एंड देन यहाँ पर डेटा इवेंट्स लेवल का आ गया, ऐड कर लेता हूँ। रिलेटेड लोड, थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर हम ऐड टू रिपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एंड देन डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और इसके बाद हम एक दूसरा चार्ट बना लेते हैं। लेट्स से आई पिक द टेबल एंड इसको यहाँ पर रहने देते हैं। लेट्स से इवेंट नेम। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पर जो डेटा है वो भी बहुत कम है, बिकॉज अभी अभी 10-15 मिनट पहले ही मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, इसे सेटअप किया है, बट यू कैन ईजिली सी कि जो ये रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। मैं एक डेटा कंट्रोल जल्दी सेट कर लेता हूँ, मैं डेट रेंज कंट्रोलर जैसे ही ऐड करता हूँ, एंड इफ आई चेंज द डेट टू दिस ईयर टू डेट, इट विल लोड वेरी क्विकली, बिकॉज ये जो डेटा है वो आ रहा है बिगक्वेरी से। सो इस तरह से आप अपनी गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को बिगक्वेरी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और बिगक्वेरी से आप गूगल लुकर स्टूडियो कनेक्ट करके गूगल लुकर स्टूडियो पर बेहतरीन रिपोर्ट्स बना सकते हैं। सो आई होप कि आज के बाद आपको बिगक्वेरी वर्ड से डर नहीं लगेगा, इट्स नॉट दैट बिग, हमारे काम की तो स्मॉल है, हमारे काम के लिए काम चल जाएगा। गूगल लुकर स्टूडियो के जरिए आपको SQL लैंग्वेज, SQL लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में इमेज SEO के नॉर्मल टॉपिक्स के साथ में। ये एंटरटेनमेंट वाला पार्ट था, आई होप दैट यू आर एंटरटेन, एंजॉय योर संडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमित तिवारी.net, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।